शुक्रवार की रात करीब 7:30 बजे तिवसाखुरा मार्ग पर दौड़ रही राज्य परिवहन महामंडल की यात्री बस द बर्निंग बस बनकर राख हो गई। शुक्रवार की रात द बर्निंग बस का शिकार हुए इस बस में कुल 18 प्रवासी यात्रा कर रहे थे, जो इस आग में झुलसकर गंभीर जख्मी है। इन जख्मियों में से 2 यात्रियों की मौत हो चुकी है। बस का राख हुआ पुर्जा पुर्जा देख घटना की भयावहता भी जाहिर होती है। प्राप्त जानकारी अनुसार इस बस में सवार शेंदुरजना निवासी विजय ओंकार मोतुरे नामक यात्री ने इस बस को द बर्निंग बस बना डाला। विजय मोतुरे, जो उसके साथ 5 लीटर की कैन में पेट्रोल भर लाया था, वही पेट्रोल उसने बस में उंडेल कर आग लगा दी। इस आग में विजय भी राख हो गया है। घटनास्थल पर ही उसने दम तोड़ दिया था। तत्काल प्रबंधन को सूचना दी गई, दमकल बुलाया गया और झुलसे यात्रियों को अस्पतालों में रवाना किया गया। उपचार दौरान विजयंता विठोबा चौधरी नामक 17 वर्षीय बालिका की भी शनिवार की तड़के मौत हो गई। एक बालक, 6 महिलाओं समेत दर्जन भर यात्री इस आग में गंभीर झुलसे हैं, जिन पर इलाज हो रहा है। ऐसे दुर्घटना के स्थिति में भी विधायक कार्यों की बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले विधायक महोदय अपनी जेबें गर्म करने पर ही ज्यादा ध्यान देते हैं, इसका पुख्ता प्रमाण भी शुक्रवार की रात मिल गया। महानगर के इरविन अस्पताल सहित बोंडे अस्पताल में भी झुलसे मरीजों को दाखिल कराया गया। इस अस्पताल के मालिक है अनिल बोंडे। ये महोदय स्वयं डॉक्टर तो है ही, मुर्शी के विधायक भी है, लेकिन अस्पताल को दुकानदारी के रूप में वो चलाते हैं। जब उनके बोंडे अस्पताल में झुलसे यात्रियों को दाखिल कराया गया तो पैसे पहले इलाज बाद में, ऐसी भूमिका बोंडे अस्पताल प्रबंधन ने अपना रखी थी। ऐसे अचरज भरे स्थिति को देखकर एक विधायक के अस्पताल में मरीजों को कैसे पैसे कमाने का जरिया बनाया जाता है, उनके जान से कैसे खिलवाड़ करने पर ये आमदा रहते हैं, इसकी तस्वीर खुली आंखों से देखी गई। वह तो विधायक रवि राणा ने इलाज के पैसों को चुकाने का ऐलान किया, तब जाकर इन मरीजों पर इलाज शुरू हुआ था। इससे वाहरे विधायक यही शब्द अनायास निकल पड़े थे। बचे यात्रियों पर इरविन में इलाज शुरू तो हुआ, पर इरविन के बदहाल स्थिति का वार भी इन गंभीर झुलसे मरीजों को झेलना पड़ा था। इरविन के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ तो सेवा में दौड़े, लेकिन अस्पताल में जरूरी उपकरणों का अभाव रहने से वह भी कुछ ना कर पाए। इरविन अस्पताल में कईयों ने दौड़ तो लगाई, लेकिन जिले में मौजूद रहकर भी जिले के पालक मंत्री इरविन नहीं पहुंचे थे, ये विशेष। इरविन के बदहाल स्थिति और मरीजों की तकलीफें देखते नहीं बन रही थी। बस में सवार अपेक्षा तजरे नामक बालिका ने बताया कि यह पगलाया व्यक्ति कैसे कंडक्टर से उलझा और कैसे यह बस द बर्निंग बस बनी। निघालो तेव्हा 7:30 ची बस आली, त्या बस मध्ये 85 वरून काही माणसं बसले, ते माणसं, त्यांच्या हाती डिझेल होता, ते डिझेल म्हणजे कंड्रायव्हरने त्याला पैसे मागितले, त्याने बाजारची तिकीट काढली, ती कंड्रायव्हर दुसऱ्या गावी, पण त्याने बाजारची तिकीट काढली, तो बाजारला काही उतरलं नाही, म्हणून कंड्रायव्हर डबल वापस आला आणि त्याने पैसे मागितले, तर त्याने थोडस म्हणजे बोलणे के त्यानं म्हणजे काही ऐकलं नाही आणि ते माचिसची काडी टाकली खाली, उगवली आणि टाकली खाली, पेट्रोल खाली टाकलं ते म्हणजे माझं लक्षण होतं, मी कॉर्टमध्ये गाणी ऐकत होते। ड्रायव्हर कंडक्टर हा नाही, कंड्रायव्हर आणि तो माणूस, मी लास्टच्या सीटवर बसली होती आणि तो माणूस माझ्या समोर बसला होता। नाही ते खाली बहुतेक सांडवलं होतं त्यांना आधीच, पेट्रोल शिपडलं नाही, बहुतेक खाली त्यांना आधीच सांडवलं होतं, माझं काही एवढं लक्ष नाही, पण त्यानं माचीसची गाडी उगवली आणि खाली टाकली, ते एकदम आग लागली। हा दोघांचे म्हणजे बोलणे चालली झाली दोघांचे, आणि त्यानं काही ऐकलं नाही आणि टाकून दिली खाली। यह शख्स इससे पहले भी नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या का प्रयास कर चुका है, ये जानकारी भी इस घटना के बाद सामने आई। इरविन में फिलहाल गंभीर झुलसे यात्रियों पर इलाज हो रहा है, लेकिन बर्निंग वार्ड में अपर्याप्त व्यवस्था रहने से मरीजों को तकलीफें सहनी पड़ रही है। इरविन में कूलर भी उपलब्ध नहीं थे, जिस पर सिटी न्यूज ने शहर के दानदाताओं से इरविन अस्पताल को कूलर दान करने की जाहिर अपील की थी। वो अपील रास आई और
कईयों दानदाताओं ने इरविन को कूलर प्रदान किए। एक ये दानदाता है जो मरीजों का दर्द जान पाए और दूसरी ओर हमारे विधायक है जिनका अस्पताल सिर्फ दुकानदारी चलाने के लिए ही है, ये भी खुली आंखों से देखने मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज़।